नमस्कार, हमारे साथ अभी पीयूष है जिसको बिहार बोर्ड की तरफ से टॉपर वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था। तो पीयूष से हम कुछ सवाल पूछने जा रहे हैं। पीयूष, आपको कॉल वेरिफिकेशन के लिए पहले कब आया था? 23 मार्च। 23 मार्च को कितने बजे? 1:44 में। तो आपको वहाँ कॉल आने से पहले इतना विश्वास था कि हम लोग वहाँ पहुँच पाएंगे? जी सर, आपकी मेहनत और हमारी मेहनत सब धन्यवाद। जोर से बोलो। तो वहाँ क्या क्या पूछा गया? वहाँ वही पहले गए तो बोर्ड ऑफिस गए, हमको अंदर बुलाया। बाद गए तो पहले वो कुछ पर्ची उर्ची दिया भरने के लिए, फॉर्म भरे बैठाया था। तो 9:30 बजे अंदर बुलाया था, तो बहुत टाइम लग गया था। हम लगभग 3:30 बजे इंटरव्यू के लिए गए, तो उनको लगभग 6 टीचर से गुजरना पड़ा। हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर था। अच्छा, तो वहाँ किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, मतलब कि प्रश्न कैसा था आपको? प्रश्न कैसा आसान और बेसिक्स था, बेसिक्स टाइप। तो जो भी प्रश्न जैसे आपसे पूछा गया तो आप उसका जवाब दे पाए? जी। तो मैथ वाले सर के पास गए तो आपको क्या पूछे जैसे मैथ में? मैथ में वही पूछे, पहले तो बोले मैथ आपका अच्छा है, तो वही पूछे बोले पहले छिन्नक आयतन पूछे, और बाद प्रायिकता से पूछ लिए ये सिक्का वाला, उसके बाद वही द्विघात समीकरण से पूछ लिया। और उन्होंने ये भी बोला था कि आप दोबारा हमसे इंटरव्यू मिलिएगा 2 साल बाद। अच्छा, ये बोले कि वहाँ जो वेरिफिकेशन कर रहे थे मैथ वाले सर, तो पीयूष कुमार को बोले कि हम फिर से आपसे मिलेंगे, यानी कि इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम में इंटर के रिजल्ट के दौरान। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि एक शिक्षक जो कि काफ़ी अनुभवी होंगे, कई लड़कों का वो वेरिफिकेशन कर चुके होंगे इससे पहले, उन्होंने आशीर्वाद दिया पीयूष को कि आप फिर से दोबारा इंटरमीडिएट में यहाँ आएंगे। तो आप एक्सलेंट का कुछ बातें बताइए जो यहाँ आपको स्पेशल लगता है, अच्छा लगता है, मतलब कि जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा हो विकास सर का या भाई जी का बात, किस प्रकार का जो सबसे अच्छा चीज़ आपको क्या लगता है यहाँ एक्सलेंट का? मैं जब यहाँ पे आया था तो मैं कुछ भी नहीं था, एकदम एवरेज एवरेज था। अब मुझे पता भी नहीं था कि हमको बोर्ड ऑफिस से फोन भी आ सकता है। तो आप ही और भाई हमको मतलब विश्वास दिलाए कि ये क्यों नहीं क्वाइट है, यानी कि आपके आपका खुद गुण जो है वो आपको नहीं मालूम था, बताया गया। ठीक है, अच्छा, आपको पढ़ाने का तरीका सब कुछ बहुत अच्छा लगा, बेस्ट। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो फिर आगे आप क्या करना चाहेंगे, मतलब कि इंटर मैट्रिक के बाद इंटरमीडिएट में कौन सा सब्जेक्ट लेकर के आगे? बायो लेके नीट क्वालिफाई करना चाहते हैं। गॉड करे कि आपका ये सपना पूरा हो, हकीकत में बदले, और आगे आप अच्छा, मेरा आशीर्वाद पूरा हमेशा साथ रहेगा, आप आगे ऐसे ही बढ़ते रहिए, हमारी शुभकामनाएँ हमेशा साथ है। तो पीयूष को टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया बिहार बोर्ड से, और ये गए वहाँ, हम लोग भी गए साथ में इनके, और इनसे बेसिक सवाल सब पूछा गया तो सभी का इन्होंने जवाब दिया बहुत अच्छे तरीक़ा से। अब हम उम्मीद करते हैं कि ये बिहार स्टेट में टॉप करे, है ना, प्रथम स्थान पे आए, यह उम्मीद रखते हैं। ठीक है।